तो बिल्कुल दोस्तों, 1 जून 2023 आने वाला है और जून का मंथ स्टार्ट होने वाला है और आज 31 तारीख हो चुकी है। तो बिल्कुल आप जो है 31 मई में आज कोशिश नहीं कीजिए बल्कि कर लीजिए। आज ही की डेट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना चाहिए, ऐसे दो चार जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, वो है हमारा NDA पे सिग्नेचर। देखिए, जो भी हमारे बंदे हैं OES में तो इंटर कर रहे हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो OES में इंटर कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें OES में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो बीकम एफिलिएट का वहां पर ऑप्शन आता है। मतलब बीकम एफिलिएट पे आप क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी आप OES तो है चला पाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें पता ही नहीं है, जैसे कि कई नए लोग हैं वो लगातार एक्टिव नहीं रहते, उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो उन्हें ये चीज जरूर बताइए कि जो ऊपर ऑप्शन आता है OES ओपन करने के बारे में, बीकम एफिलिएट उस पर जरूर क्लिक करके NDA सिग्नेचर कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा अभी नया मंच शुरू हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल न्यू होने वाली हैं। और इसके बाद में एक सवाल था जो बहुत ज्यादा लोगों का ये आ रहा है बार बार बताने के बाद भी, कि जो हमारे अंडर 18 है, जैसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके सिग्नेचर का हम क्या करें। तो भाई उनका सिग्नेचर जो है, देखिए पेरेंट्स जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका नाम किसी का भी हो बट उनके नाम से भी अगर मान के चलिए OES में उनका नाम है, लेकिन सिग्नेचर जो है वो आपके उसमें आप कर सकते हैं, उनके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है तो भी वो है मान्य हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आपका जो OES है उसमें प्रोफाइल में प्रॉपर सब कुछ चीज़ जो भी आपकी चीज़ें वो चेक कर लीजिए, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, कंट्री वगैरह है या जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ देख लीजिए। और NDA में साइन करते हैं तो नेशनैलिटी ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में वो नेशनैलिटी सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और सिग्नेचर अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो डोंट वरी, जैसा एक थोड़ा डॉट ऐसा हो गया तो डोंट वरी, इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सेम सिग्नेचर से थोड़ा बहुत मिसमैच हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा हो तो ही जाकर के आप जो है रिफ्रेश बटन को करके और फिर जो है सिग्नेचर करीजिए। और एक और चीज़ है कि अब आप देख रहे होंगे कि जैसे आपका जाएंगे आप मार्केट प्लेस में, OES ओपन करने के बाद में मार्केट प्लेस पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में आपका होता क्या है कि मार्केट प्लेस में जाके आप जैसे ही क्लिक करते हैं गेट इट नाउ पे, वहाँ पर जाने के बाद में आप गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है फ्री ट्रायल अभी बिल्कुल नहीं बता रहा है, मतलब वहाँ पर फ्री ट्रायल नहीं आ रहा है, मतलब कि फ्री ट्रायल भी पूरी तरह से अभी तक तो खत्म हो गया, अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आएगा, जब भी आएगा तो हमको OES में वो जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और NDA सिग्नेचर का भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये दो तीन छोटे छोटे काम है बट इसको ध्यान पूर्वक एकदम आराम से देख करके बैठ करके कर लीजिए। और जैसे आपके अगर आपके साथ में और भी जो फाउंडिंग मेंबर जुड़े थे, मतलब जिनका थोड़े बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहां देख लीजिए एफिलिएट में आपके कितने लोग दिखा रहा है। जैसे मान के चलिए आपके डायरेक्ट में जो भी बंदे, मतलब 100 बंदे हैं, उसमें से 90 नहीं किया है, बाकी 10 लोग बच रहे हैं, उन्हें भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और जो सिंगल पर्सन है उसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो ऑलरेडी आप सिग्नेचर करके जो है देख लीजिए कि भैया वहां पर सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आप जितने भी लोग हैं, जितनों को बराबर, या आज की डेट में ये सारा काम कर लीजिए क्योंकि कल से हो सकता है कि कुछ और नया हमें अपडेट देखने को मिले। और देखिए फिर से अगेन एंड अगेन बोलूँगा, आगे पीछे अगर डेट होती है तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा और नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आगे पीछे डेट होने से कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, उसमें इतना घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सारी चीज़ें NDA वगैरह सब कुछ देख करके परफेक्टली साइन अप कर लीजिए, सब कुछ परफेक्ट कर लीजिए। और एक और चीज़ है जो अभी मुझे इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कॉल आए हैं कि अभी सर हमारे बंदे अभी भी कुछ जो कस्टमर बन गए हैं, तो जैसे आप देखेंगे हाँ किसी को नॉलेज नहीं है तो बाय चांस वो कस्टमर बन गया है, तो वो कैसे चेक करें, तो आप जाइए प्रोफाइल में जाइए OES की, वहां पर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपको डिलीट अकाउंट का किसी बंदे को ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है वो कस्टमर बना है, तो उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद में आप जैसे ही देखेंगे तो वापस फिर से आप नया रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसको फिर ओपन करिए। और अगर आपके उसमें ओ फाउंडर का लोगो अगर वहां पर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है फाइनली आप जो है फाउंडर जो है बन चुके हैं, जो कि कस्टमर बन चुके हैं गलती से जो फाउंडिंग मेंबर होते हुए। तो उनको अगर ये बटन आता है डिलीट मैसेज, डिलीट अकाउंट्स का, तो उसे डिलीट करके आप जो है वापस से फाउंडर बन जाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। जैसे ही अब हम ये सारी चीजें करते हैं तो मे बी बहुत जल्दी जो है हमारा जो $97 हमारे जो क्रेडिट वॉलेट वगैरह में जो है वापस आने वाला है, तो उसमें सबसे पहले ये सारे दो चार काम बिल्कुल आप जाकर के कर लीजिए और अपने लोगों तक इसको जरूर शेयर कीजिए, उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आज की डेट में ही भाई कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं बल्कि कीजिए, आज ही सारा काम कर लीजिए। तो बाय बाय गाइज एंड लव यू ऑल।